नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सबको हेयर मास्क बनाना बताएंगे। आप कहीं भी बाहर आ जाएं तो बालों की सुरक्षा के लिए यह हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है आधा मीटर वाटरप्रूफ कपड़ा है। यह कपड़ा वाटरप्रूफ है और इलास्टिक डोरी आधा मीटर। यह बनाने में बहुत ही इजी है। देखिए, ऐसे चारों तरफ से हमें लंबाई में 16 इंच लेना है और चौड़ाई में भी कपड़ा 16 इंच ही लेना है। अगर सेंटर से नापेंगे तो सभी तरफ 8-8 इंच आना चाहिए। सेंटर से यदि नाप लेंगे तो इसकी गुलाई में सिलाई करेंगे। यह वाटरप्रूफ कपड़ा है और ये हमने दो प्रकार का इलास्टिक डोरी लिया है। इसमें से कोई एक डोरी लगाएंगे। इलास्टिक डोरी की देखिए, आप लोगों को इलास्टिक डोरी की लंबाई इसका आधा लेना है। जैसे हमारी ये गुलाई यदि 50 इंच है तो इलास्टिक डोरी की लंबाई 25 रखेंगे। आप जो भी डोरी लगाएं, इसकी जितनी गुलाई आएगी उसका आधा हमें इसको लेना है। जैसे इसका 50 आया तो हमें 25 इंच लंबाई, डोरी की लंबाई रखना है। धन्यवाद। ये देखिए, इसकी सिलाई एकदम सरल है। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो जैसा हम इलास्टिक पट्टी या इलास्टिक डोरी रख करके सिलाई करेंगे, देखिए, और दूसरा पूरी गोलाई में सिलाई करने के बाद ऐसा इलास्टिक लगा सकते हैं सिलाई करने के बाद, और या फिर ऐसा इलास्टिक पट्टी लगा के सिलने के बाद यह सिकुड़ कर कैप का आकार ले लेगा। ये देखिए, हमारा हेयर कैप बन चुका है। इसे आप घर पे ही बना सकते हैं। जब भी बाहर जाएं, अपने बालों की सुरक्षा के लिए, अपने सर को धूप से बचाने के लिए आप लगा सकते हैं। यह वाटरप्रूफ है। आने के बाद आप इसे धो के, अच्छे से डिटर्जेंट में धो के धूप में पूरे दिन सुखा सकते हैं। ये देखिए, आप इसे जितना चाहें घर पे ही बना सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।